हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सबका मेरे चैनल ऋदवन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे सो so फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कैंटीन प्राइसिंग की वीडियो विद कंपेयर करके इनके मार्केट प्राइस के साथ और इससे पहले मैं दो बार ऐसी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुकी हूं अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं अदरवाइज मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगी एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी तो जरूर चेकआउट करिएगा एंड जैसा की कैंटीन फैसिलिटी डिफेंस वालों को तो मिलती है लेकिन उसको गेन करने के लिए भी ना हमको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लाइक यहाँ पर अगर हम मॉर्निंग में जा रहे हैं तो हमारा डे मतलब पूरा आधा या हो सकता है कभी कभी पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है दिल्ली वाली जैसी जगहों में तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां पे हमेशा सामान स्टॉक रहता ही रहता है लेकिन यहाँ जैसे हम छोटे प्लेसेस में में हैं तो यहां पर कैंटीन महीने में एक बार आती है और उसमें भी नंबर लगना है। तो कितनी बार तो हमको मिलता ही नहीं सामान इसलिए हम लोग बल्क में रख लेते हैं जैसे दो या तीन महीने का वेल जैसा भी है लेकिन ये फैसिलिटी हमको मिलती है तो वी आर वेरी लकी एंड बहुत सारे सिविलियंस भी होते हैं जिनको इनका लाभ मिल जाता है एक्चुअली होता ही है अगर हमारे भी जानने वाले कोई हैं तो हम उनको भी इस चीज का बेनिफिट देते हैं जैसे कि हमारी फैमिली छोटी है तो फिर हम लोग का ज्यादा यूज होता नहीं है तो हम ठीक है कभी कुछ उनको भी दे दिया टाइप होता है लेकिन कुछ लोग ना इस चीज का काफी ज्यादा गलत फायदा भी उठाते हैं और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये जो फैसिलिटी है बहुत मुश्किल से मिलती है एक तो और ये सब चीज आप भी जानते हैं उसका बस गलत फायदा ना उठाया जाए तो ही बेटर है सर so, चलिए फ्रेंड्स बहुत बातें हो गई आज और आप बात कर लेते हैं इसके बिल की तो इसका बिल मैं आपको दिखा देती हूँ आज मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा बिल बना है क्योंकि दो तीन महीने का है इसलिए दो तो तीन महीने बाद हमें परचेज करने का मौका मिला इसलिए तो चलिए अब एक एक करके ना सब मैं प्राइसिंग आपको बताती हूँ और लेके स्टार्ट करती हूँ मैं इस मिल्टन के बॉटल से क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग होती है और ये ना जब हमें चाहिए होती है उस टाइम मिलता नहीं है पूरा विंटर चला गया उसके बाद हमें ये बॉटल मिली है फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का इसका मार्केट प्राइस हो चुका है और इसका कैंटीन प्राइस बहुत सस्ता है ये हमें कैंटीन में मिली है ओनली सेवन हंड्रेड एटी एट रुपीज की

लीटर भी फ्री मिला है तो यानी कि लीटर हो गया ये मुझे कैंटीन में ना सस्ता मिला है सेवन हंड्रेड सिक्स ओनली इसमें ना दो चार वेराइटीज आती हैं जो अलग अलग प्राइसिंग की आती है तो ये वाला सब काफी सस्ता है, है ना इस बारी सफोला के साथ साथ ना ये मयूर का फाइव लीटर की कैन भी खरीदी है कैंटीन में ये बहुत ही रेयर मिलती है हमारे एरिया में तो और इस बारी आई थी तो मैंने एक ले ली सरसों का ऑयल काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी इसका एम आर पी है ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटी सिक्स रुपीजीन हंड्रेड लेकिन ये मुझे कैंटीन में मिला है ओनली एट हंड्रेड सेवेंटी सेवन रुपीज में साथ बात करूंगी जो मैंने बड़ी चीज ली है नेक्स्ट इज हैंको तो मैंने इस बार हैंको हम हमेशा तो यूज ही करते हैं लेकिन इस बार मैंने ये फाइव के जी में लिया है और इसके साथ हमें मिलता है एक टब और ये है वो टब जो हमें इसके साथ फ्री मिलता है और इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है काम चलाओ कपड़े धोने के लिए अच्छा है ये बिंगो मैडंगस अगर ये वैसे ट्वेंटी रुपीज़ का आता है लेकिन हमने कैंटीन में ना ये फिफ्टीन रुपीज़ का बड़ा है एंड साथ में इस बारी कैंटीन में ये हल्दी पाउडर भी आया था कैच का वैसे मैं कैच का प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ मसाले वगैरह नहीं मिलता था एम डी एच वगैरह के तो ये इसका मार्केट प्राइस है फोर्टी रुपीज़ और ये मुझे कैंटीन में मिला है ट्वेंटी एट रुपीज़ का तो ये भी काफ़ी अच्छा है सस्ता है ये छोटे से सोप का एम आर पी सिक्सटी फाइव रुपीज है कैंटीन प्राइस है थर्टी नाइन रुपीज सब बात करेंगे हम इस लक्स सोप की और इसका एम आर पी है थर्टी एट रुपीज लेकिन ये हमें कैंटीन में मिलता है ओनली ट्वेल्व रुपीज में ये ना लिमिट में मिलते हैं हमको मतलब ये छह आठ या दस इस टाइप से होता है हर कैंटीन का अलग अलग रेशियो होता है तो हमें उस अकॉर्डिंग मिलते हैं तो ये मंथली हमारा सिक्स या एट या टेन उस टाइप में मिलते हैं बात करते हैं मैगी की एक्चुअली मैगी यहाँ पे है नहीं बच्चों ने फिनिश कर दी है तो मैंने फ़ोर पीस वाली मैगी परचेज़ करी थी वो हमें मिलती है कैंटीन में थर्टी वन रुपीज़ की एंड अगर हम सिंगल वन पीस वाला मैगी लेते हैं ना वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है तो उससे बेटर ये रहता है कि हम फोर पीस वाला ले लें उसमें थोड़ा सा दो चार रुपए का हमें फ़ायदा मिल जाता है सब बात करते हैं हम कॉफ़ी की तो ये नेस्क काफ़ी कैंटीन में ज़्यादा मिलती है इसके अलावा कैंटीन में मैंने ज़्यादा कॉफ़ी देखी नहीं है ब्रू भी बहुत कम मिलती है तो इसका एम आर पी प्राइज़ है वन हंड्रेड सेवेंटी रुपीज़ जो कि हमें कैंटीन में मिलती है ओनली एटी एट रुपीज़ में तो ये है ड्यूक्स की डबल्स एंड इसका एम आर पी प्राइज़ है सिक्सटी रुपीज़ मैंने बच्चों के लिए, लिए परचेज़ करी है और ये हमें कैंटीन में सिर्फ थर्टी फाइव रुपीज़ में मिलती है एंड इसके अलावा यूनिबिक के बिस्किट्स मैं बिस्किट्स में ऐसे परचेज़ करती हूँ मतलब इस टाइप से कम्प्लीट ट्वेल्व पीस हैं सिंगल पीस जो है इतना छोटा सा है वैसे ये इसका एम आर पी थर्टी रुपीज है लेकिन हमको कैंटीन में ना ये सिर्फ एटीन रुपीज का मिलता है और ये कम्प्लीट सेट जो है ये कंटीन में टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर रुपीज में कैंटीन से हम लोग ये जूस भी लेकर आए हैं एंड इसका एम आर पी वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज है लेकिन ये हमको कैंटीन में सिर्फ सेवेंटी नाइन रुपीज का पड़ा है इसमें कुछ एक अलग अलग फ्लेवर्स के भी आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस अलग अलग होता है तो ये वाला घी है संप्रीति वैसे इसका एमआर लिखा है एट हंड्रेड फोर्टी रुपीज लेकिन ये हमको कैंटीन में मिलता है ओनली फोर हंड्रेड एटी थ्री रुपीज में मतलब इसमें बेनिफिट मिलता है लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है इसका जीरा है और टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज और इसका कैंटीन प्राइस हमको मिलता है वन हंड्रेड फिफ्टी अलावा ये जो सॉल्टेड पीनट्स है तो इसका एम है फिफ्टी और ये कैंटीन में हमको मिलता है ओनली ट्वेंटी एट में ये है फोर हंड्रेड ग्राम्स का रिन एंड इसके अंदर मतलब दो होते हैं हम इसको काट कर यूज़ कर सकते हैं मैं तो हमेशा ऐसे ही यूज़ करती हूँ उसको कट करके एंड इसका जो एम आर पी है ना वो है सिक्सटी टू रुपीज़ लेकिन मुझे कैंटीन से ना हमेशा ये चीज़ परचेज़ करने में अच्छी लगती है इसमें छोटे साइज़ के भी आते हैं ये मुझे स्लच लगता है क्योंकि एक तो ये कैंटीन में बहुत लिमिटेड मिलते हैं सिक्स ही मिलते हैं सिक्स के अलावा नहीं मिलते हैं तो ऐसा करके हमारे लिए ट्वेल्व हो जाते हैं तो ये अच्छे रहते हैं यूज़ करने के लिए इसका कैंटीन प्राइस है थर्टी सिक्स रुपीज़ तो ये भी लगभग हाफ प्राइस में हमको मिल रहा है एंड ये काफ़ी अच्छा है एंड मैं हमेशा बच्चों के लिए जब भी कैंटीन जाती हूँ तो ये पॉपकॉर्न ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ना बच्चे कुछ ना कुछ मांगते हैं कभी शाम के टाइम पे तो आ, कभी कभार इस टाइप की चीज़ें मैं दे देती हूँ उनको इसका एम आर पी है वैसे ट्वेंटी एट रुपीज़ और ये कैंटीन में हमको मिलता है सिर्फ फिफ्टीन रुपीज़ में और बच्चे बहुत खुश रहते हैं पॉपकॉर्न के साथ तो ये फॉर किड्स ये वाला हैंगको बार भी काफ़ी अच्छा है इसका एम आर पी है वैसे थर्टी फाइव रुपीज़ और ये कैंटीन में हमको मिलता है सिर्फ नाइनटीन रुपीज़ में फिर डाबर का जो गुलाब है मैंने फर्स्ट टाइम परचेज करा है कैंटीन से एंड इसका मार्केट कॉस्ट है फिफ्टी टू रुपीज एंड कैंटीन में हमको मिलता है ओनली ट्वेंटी एट रुपीज में कॉलगेट हमको मार्केट में मिलता है थर्टी फाइव रुपीज में जो कि हमको कैंटीन में मिलता है एटी टू रुपीज में ओनली बच्चों के फेवरेट और लेकिन मैंने छुपा के रखा हुआ बच्चों से और एम आर पी है थर्टी है के फाइव है हैं किसान जैम की है, मिक्स है। इसके अलावा और भी कुछ एक फ्लेवर्स मिल जाते हैं कैंटीन में कभी कभार तो इसका एम जो कि के है कैंटीन में मिलता है 107 में। तो ये मेरे बच्चों का फेवरेट है आई थिंक एंड इसका जो कॉस्ट है वो है एटी रुपीज़ जो कि कैंटीन को मिलता है सर फिफ्टी टू रुपीज़ में तो ये भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर सिक्स चॉक्यूपाइज आते हैं छोटे छोटे ये डेज़ल करके फ्लोर क्लीनर है एंड ये मैंने पहली बार कैंटीन में देखा है वैसे तो इसका एम आर पी वन हंड्रेड एटी एट रुपीज़ था जो कि अब वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ हो चुका है क्योंकि इसमें थर्टी एट रुपीज़ का ऑफ हो गया है मार्केट में लेकिन इसका जो कैंटीन प्राइस है वो है वन हंड्रेड फाइव रुपीज़ ये सनड्रॉप का पीनट बटर है और ये कैंटीन में कभी कभार आ जाता है तो मैंने ये कैंटीन से परचेज किया है फिफ्टी फोर रुपीज़ में जो कि इसका मार्केट प्राइस है सेवेंटी रुपीज़ सो तो ये है ऑल इन वन नमकीन जो कि हमको मार्केट में मिलती है फिफ्टी टू रुपीज़ में एंड इसका कैंटीन प्राइस है थर्टी थ्री रुपीज़ तो है पाम का सिल्वर फॉल पेपर एंड ये आता है नाइन मीटर में जिसका एम है 125 रुपीस और फाइव कैंटीन में हमको मिलता है एंड हाँ इसके बाद हम बात करेंगे कैलॉग चोकोज चोकोज एक्चुअली बच्चों ने ओपन कर दिया है जिसका कैंटीन प्राइस है 125 मेरे बच्चों को चोकोज काफी पसंद है मैंने इस बार पोहा भी परचेज किया है कैंटीन से इसका प्राइस है एम आर पी नाइनटी रुपीज लेकिन हमको कैंटीन में मिला सेवेंटी फाइव रुपीज में बर्बन बिस्किट अगेन बिस्किट में मेरे बेटे को ना चॉकलेट क्रीम बिस्किट काफी अच्छे लगते हैं दस रुपए के पैक में आता है छोटा वाला साइज में और इसमें भी ना ट्वेल्व पीस हैं जो कि हमको

वैसे इसका प्राइस है थर्टी सिक्स कैंटीन में मिलता है ट्वेंटी फोर रुपीज में ये का टोटल रिपेयर शैम्पू है ये और इसका एम आर पी है फोर हंड्रेड टेन रुपीज मार्केट में एंड वन हंड्रेड नाइनटी टू रुपीज में मिल रहा है ये काफी सस्ता मिल रहा है लगभग फिफ्टी परसेंट ऑफ विटा की बॉन्नविटा का पाउच का एम आर पी है टू हंड्रेड

तो ये रिफिल करने में काफ़ी अच्छे रहते हैं इसका प्राइस है वो है नाइनटी नाइन रुपीज़ सस्ता भी मिल रहा है आपको मैं आपको ये मिल रहा है ओनली एटी रुपीज़ में कि इस बार ही हमारे कैंटीन में सिर्फ यही वाले ब्रांड के ताजमहल चाय आ रही है और चाय नहीं मिल रही सस्ती वाली तो इसकी बात कर लेते हैं ये इसका जो मार्केट प्राइस है ना थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीज़ में और ये फाइव हंड्रेड के फाइव हंड्रेड ग्राम्स के पैक में है जो कि हमें कैंटीन में मिलती है टू हंड्रेड नाइनटीन रुपीज़ में थोड़ी तो सी महंगी पड़ती है लेकिन चाय बहुत अच्छी है अच्छे कंपाउंड हींग की तो कभी कभार ये हींग भी मिल जाती है कैंटीन में और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है सेवेंटी फोर रुपीज एंड ये कैंटीन में हमको मिलती है फोर्टी फाइव रुपीज में सेमी का पैकेट मैं ले लेती हूँ जो कि सस्ता ही मिलता है वैसे मार्केट में ट्वेंटी थ्री रुपीज में लेकिन ये कभी कभार मैं ले लेती हूँ बच्चों के लिए और ये हमको मुझे मिलता है ये 14 रुपीज में, कैंटीन में। ये मेरे में लिया है अपने लिए और इसका जो मार्केट प्राइस है ना वन हंड्रेड से ही लिया है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है वन हंड्रेड टेन कैंटीन में, में, में फोर्टी एट रुपीज में ये वाला ओडोमिल का जो मार्केट प्राइस है वो है वन हंड्रेड सेवनटी सेवन रुपीज इसमें ना ये थ्री का पैक है और इसमें एक फ्री है तो ये कुछ इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको इसमें फोर अलग-अलग कलर्स के हैं ये सब अलग-अलग कलर्स के हैं काफी अच्छे हैं वैसे इसमें लिखा है वन पीस ₹59 में लेकिन ये हमको कंप्लीट मिला है ₹88 रुपीज में इसके अंदर है 72 वाइप्स और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है ₹280 रुपीज जो कि आपको कंटिन्यू मिलता है ₹151 में Yes, cells, इसका जो सिंगल पीस है वो एट रुपीज का है अदरवाइज ये रुपीस का हो चुका है ये कोई गीप करके तो ये, ये so, सबके प्राइस कम्पेयर करके चल गए पता कि कितना सस्ता मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है सो so, आप लोग भी अपने सजेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा की आपको कैसी लगी ये वीडियो एंड और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे साथ अदर वीडियोज में हाँ एक बार मैं कोशिश करूंगी की जो लोग सिविलियंस हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल की कि विशाल मेगा मार्ट एंड कैंटीन कैंटीन प्राइस प्राइस में में का डिफरेंस इतना फायदा होता है कि हम छोटी से छोटी चीज भी लेंगे ना तो वो भी हमको कम रेट में मिलेगी विशाल से अगर आपको कुछ चीज परचेज करना है विद ऑफर तो हमको बल्क में लेना पड़ता है वो भी जब ऑफर चलते हैं उस टाइम पे लेकिन विशाल में ये चीज अच्छी है कि वहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो कुछ इस तरह से था आपको कैसा लगा कम्यून किस रूप से और अपने सजेशन जरूर शेयर कीजिएगा आपके सजेशन का मैं वेट करूंगी एंड ऐसी और सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक जरूर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए मिलेंगे और अदर वीडियो तब तक के लिए बाय टेक केयर अपना बहुत सारा ध्यान रखिए